वापस। आने वाली है अमावस और आप लोगों को रहना है बच के। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो अमावस आने वाली है उसके लिए तो आपको तैयार रहना है, क्योंकि अमावस एक मूवी आने वाली है और आज दिल्ली तक पर मेरे साथ अमावस के स्टार कास्ट भी मौजूद है। मूवी के डायरेक्टर हैं हमारे साथ भूषण पटेल, अली असगर जी और सचिन जोशी। तो आज जो मूवी की बातचीत हम करने वाले हैं वो थोड़ी सी मस्ती और ये सबसे हटकर है, लव स्टोरी भी नहीं है, ये है थोड़ी सी हॉरर मूवी, राइट? थोड़ी सी नहीं, बहुत बड़ी हॉरर, पूरी हॉरर है ये। अच्छा, तो जनरली जो जॉनर होता है उसमें ये होता है दो मिक्स होते हैं कि रोमांटिक हो गई और साथ में लव स्टोरी के साथ में कुछ फन लविंग हो जाता है, ये पूरी हॉरर चलेगी? कोई भी जॉनर, कोई भी फिल्म दो जॉनर वाली नहीं होती, या तो रोमांटिक पिक्चर होती है या तो हॉरर पिक्चर होती है या तो कॉमेडी होती है। ये आउट एंड आउट हॉरर है और अली है इस पिक्चर में, इसका ये मतलब नहीं कि कॉमेडी हॉरर या हॉरर कॉमेडी फिल्म है। एग्जैक्टली मैं जानता हूँ आप क्या पूछने वाली थी, आपका इशारा इसकी तरफ ही था। तो हॉरर कॉमेडी नहीं है हमारी फिल्म या कॉमेडी हॉरर फिल्म नहीं है हमारी, ये आउट एंड आउट हॉरर फिल्म है जिसमें अली एक बहुत अहम किरदार निभा रहा है और उसका कैरेक्टर थोड़ा सा हंसाएगा आपको फॉर श्योर, बेशक, क्योंकि अली आता ही स्क्रीन पे है तो लोग अपने आप हंस पड़ते हैं और इसीलिए उसको कास्ट किया गया है। बट फिल्म फुल हॉरर फिल्म है, इसे नॉर्मली क्लासिक हॉरर कहते हैं। क्लासिक हॉरर जी, क्लासिक हॉरर, तो क्लासिक हॉरर फिल्म। पर सर, जैसे आप तो जनरली साउथ मूवीज करते हैं, वहाँ पर तो मोस्टली एक्शन मूवीज के लिए जो हमारा साउथ जो टॉलीवुड है वो फेमस है, तो आप हॉरर में कैसे एक्शन के वे में हॉरर दिखाएंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सारे सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं वहाँ पे। साउथ में नॉर्मली जो कहते हैं कि मसाला फिल्म बनती है जिसमें एक्शन भी होता है, रोमांस भी होता है, ड्रामा भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। बट यहाँ पे मैं हमेशा जाना गया हूँ एक्सपेरिमेंटल सिनेमा करने के लिए, अलग अलग किस्म का। अजान मैंने अलग की एक्शन थी, फिर जैकपॉट किया जो एक सटायर थी, मुंबई मिरर की जो एक काइंड ऑफ अ कॉप थ्रिलर थी, अब अमावस कर रहा हूँ जो एक हॉरर है। तो मेरे लिए अलग अलग किरदारों को करना और अलग अलग किस्म की फिल्में करना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस बार हॉरर। तो ये टॉलीवुड से बॉलीवुड का सफ़र कैसा है आपका? देखिए, सिनेमा की लैंग्वेज नहीं होती, लैंग्वेज हम लोगों की होती है, ऑडियंस की होती है, तो थोड़े इमोशन अलग होते हैं। बट इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी, आज तक मेरा कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज इतना कुछ सीखने को मिला इस इंडस्ट्री से और इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाने का मौका मिला। अमावस एक सब्जेक्ट है जिसमें मैं करण का किरदार निभा रहा हूँ, जिसमें आना का कैरेक्टर है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहता है। अब वो इंसिस्ट करती है क्योंकि उसने एक फोटोग्राफ में देखा कि इनका एक होम, फैमिली होम है, वो उसको वहाँ लेके जाना चाहती है, जहाँ वो जाना नहीं चाहता बेसिकली, बट फिर भी उसके कहने पे वो वहाँ जाता है और फिर वहाँ क्या क्या होता है और अमावस की रात कैसे कनेक्ट होती है, वो बेसिस, वो इस फिल्म का प्लॉट है। अच्छा, और अली असगर सर से अगर मैं पूछूँ, सर आपने बेसिकली कॉमेडी रोल्स जो हमेशा किए हैं, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल नहीं हुई ऐसा हॉरर मूवी में अपना रोल प्ले करने में? नहीं नहीं, इनफैक्ट मैं ये पूरी मेकिंग एंजॉय किया हूँ इस फिल्म की। इनफैक्ट अगर आप अगर एक्शन, कॉमेडी और हॉरर, अगर ये तीनों जॉनर जो हमारे होते ना, या रोमांटिक भी आप ले लो, लव स्टोरी, अगर इन तीनों या चारों जॉनर के अंदर या कोई भी जॉनर ले लीजिए आप फिल्म के अंदर, सबसे डिफिकल्ट कॉमेडी है, चाहे वो फिल्म हो या जो जो जिस जॉनर में हम काम करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हमारे हमारा शो आता है, या सीरियल्स के अंदर भी कॉमेडी, बिल्कुल, वो क्रिएट करना, लाफ्टर क्रिएट करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट, सबसे कठिन है। जी हाँ, एट द सेम टाइम यू, अब क्या कैसे हो गया कि आप क्रिएट करते हो एंड खास तौर पे टेलीविजन के अंदर हफ्ता एवरी सैटरडे संडे आपको क्रिएट करना है, तो वो भी वन एंड हाफ आवर, सवा घंटा, डेढ़ घंटे का आपको कंटेंट देना है, तो डेढ़ घंटे मतलब सैटरडे संडे आप एक फीचर फिल्म बना करके देते हो, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट हॉरर मैं बहुत शौकीन हूँ हॉरर फिल्म्स के,
फ्रेंकली मतलब बोलते हैं ना कि एक बहुत लंबी एक ख्वाहिश थी कि काश हम भी ऐसे किसी फिल्म हॉरर फिल्म का एक हिस्सा बने, और वो अमावस सही टाइम पर मुझे ये भूषण सर ने मुझे ऑफर किया, क्योंकि कुछ अलग किरदार करने के लिए मैं बहुत टाइम से मतलब अगर स्ट्रगल वर्ड यूज भी कर लूँ तो भी गलत नहीं है, क्योंकि एक्टर का एक ना स्ट्रगल होता है कि यार हर सी अगर मैं भूषण सर को बोलूँगा भूषण सर क्या बहुत टाइम से मैं आपके साथ काम नहीं किया, ये भी स्ट्रगल ही हो गया। स्ट्रगल टू रिटेन इज मोर देन द स्ट्रगल टू अटेन, कहीं पहुंचने के बाद स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है हमारे रहने के लिए। बहुत सही, देखिए आपने सवाल नहीं पूछा था फिर भी आपको ये जवाब मिल गया, तो दर्शकों जैसे कि आप देख रहे हैं। हाँ अच्छा आपका सवाल क्या था कि डिफिकल्ट था कि नहीं था? नहीं डिफिकल्ट नहीं था, हाँ डिफिकल्ट नहीं था, पर चैलेंजिंग जरूर है। यू नो चैलेंजिंग इसलिए होता है कि मैं बता देता हूँ कुछ डिफिकल्ट नहीं था, ये ब्रिलियंट एक्टर है और ब्रिलियंट एक्टर है इसीलिए इसको कुछ डिफिकल्ट नहीं लगता। कॉमेडी करना सबसे मुश्किल है और कॉमेडी इतनी इसीलिए कर देता है ये इंसान, तो इसलिए मुझे ये चाहिए था मेरी फिल्म में। बहुत अच्छा निभाया है रोल इसने, डिफिकल्ट रोल है और बहुत खूब निभाया है इसने, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके लिए। ये सब जो बोल रहा है वो मैं समझता हूँ इनके लिए ऑनेस्टली सबसे चैलेंजिंग फुटेज का रहा है, वहाँ पे इतनी ठंड में शूट। हाँ वो हम सब के लिए था। हाँ ये मूवी जैसे कि इन्होंने जो अमावस इनकी मूवी जो शूट हुई है वो लंदन में हुई है राइट, तो वहाँ पर बहुत ठंड थी और ठंड में इन्होंने हॉरर मूवी शूट की। ठंड मतलब -5 मतलब -5 डिग्री टेम्परेचर होता था, लेकिन उसमें वहाँ पे रियल फील जो कैलकुलेशन होता है वो विंड चिल बोलते हैं या रियल फील बोलते हैं, तो वो रियल फील हमेशा डिफरेंस रहता है 7 से 15 डिग्री के बीच में, जो एक्चुअल आपको फील होगा टेम्परेचर वो -15 या 20 होता है। हाँ वो सबसे बोलते ना कि वैसे तो डर नहीं लगता लाइफ में, कभी ये एक्सपीरियंस भी नहीं किया, पर एक सीक्वेंस था इस फिल्म में, सीक्वेंस है जहाँ भूषण सर को वो चाहते थे कि जो कासल है वो एक्सटीरियर से वो शूट करे उसे, तो वो सीक्वेंस ये था कि कैंडल लेकर के कोई ट्रैवल कर रहा है और वो उनको अंदर जो है वो कंप्लीट डार्क दिखाना था कि कोई उजाला नहीं है, पूरा कंप्लीट डार्क है। तो इनके असिस्टेंट आए और बोले कि सर हमको ये शॉट ले रहे हैं, आपको बाहर आना है तो बाहर आ जाइए, बिकॉज सर ने कहा है कि कंप्लीट डार्क बत्तियाँ वत्तियाँ सब ऑफ रहेगी, यहाँ तक कि आप मोबाइल भी ऑन मत करना। तो बाहर जैसे अभी सचिन ने बताया कि -14 और -15 वाला ये हाल था बिल्कुल, तो बाहर बहुत ठंड में जा करके बैठेंगे। अरे असगर जी मुझे आपके पीछे कुछ दिख रहा है, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? आपका आज तक ऑफिस दिखाई दे रहा है पूरा, मुझे तो कुछ और दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कहीं ये अमावस का इफेक्ट तो नहीं आ रहा है यहाँ पर, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था ये बातों में मतलब पता नहीं यहाँ पे हम लोग तो इन्होंने कहा कि नहीं आप बाहर, मैं नहीं आता हूँ बाहर बहुत ठंड है, मैं अंदर ही बैठा हूँ आप लोग शूट कीजिए। सब चले गए, पिच डार्क बिल्कुल, सर की आवाज़ आई माइक पे बिल्कुल क्या अनाउंस कर गए स्टार्ट साउंड, एंड ट्रस्ट मी मैं मुश्किल से अंधेरा होकर के 25 सेकेंड से 30 सेकेंड कुछ हुआ होगा, बॉडी मेरा एकदम हैवी हो गया, ऐसे लग रहा था जैसे सफोकेट हो जाऊंगा बिल्कुल सांस रुक गई, मैं अपने आप को वहां से भगा दिया बाहर, फेंका अपने आप को उस जगह से, मैं बाहर आ गया बिल्कुल। ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ, ये ठंड की कहानी थी या डर की? नहीं डर की, मैं ठंड की वजह से अंदर बैठा था, अंदर बैठा था उल्टा मैं ठंड में बाहर चला गया, पर वो जब लाइट्स ऑफ बिल्कुल हो गए और कोई नहीं था या तो कुछ कि वह मुझे नहीं पता आज तक, मैं ना ही मुझे फिगर करना है कि क्या हुआ। वो जगह एक्चुअली जहाँ पे हमने शूट किया वो हॉन्टेड, वो पता था हमें लेकिन सबको बताना नहीं तो कोई शूट पे नहीं आता, अली भाई सबसे पहले नहीं आते। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से बोला मुझे तो कुछ दिख रहा है, पता नहीं ये क्या लेकर के आए हैं अपने साथ में, देखना ना भूलिए अमावस 8 फरवरी को रिलीज हो रही है। जी हाँ 8 फरवरी, तो आप भी देखिए जो मैं फील कर रही हूँ, क्या सच में ऐसा कुछ है या क्वेश्चन मार्क? नहीं अमावस एक, अगर आप एक अच्छी हॉरर फिल्म देखना चाहते हैं, हिंदी हॉरर फिल्म देखना चाहते हैं जहाँ पे आपको ऑडियंस को कई बार निराशा होती है कि यू नो हिंदी हॉरर फिल्म में वो मज़ा नहीं आता जो
हॉलीवुड को फिल्मों में आता है, तो ये चीज, ये आपका जो मिथ है वो अमावस से ज़रूर ब्रेक होगा। आप अपने नियरेस्ट सिनेमाघरों में जाइए, 8 फरवरी को फिल्म रिलीज हो रही है, एंड एन्जॉय अमावस द फिल्म।